गाना बाकी था, तो ये गाना आज फिर उसके बाद फिल्म रेडी है, देन रिलीज हो जाएगी। तो फिल्म इज लुकिंग इन सेंटर, मुग्धा मैम सेंटर में देखिए, कॉमेडी का हाथ लग रहा है इसमें, किस तरह के फिल्म सब्जेक्ट का है? ऑफ कोर्स इस पिक्चर में कृष्णा जी है, तो ये कॉमेडी की पिक्चर है और बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनी है, बहुत अच्छा कॉमिक टाइमिंग आई है, इट्स नॉट बैड कॉमेडी, वेरी फन कॉमेडी, तो आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट। और आज का गाना भी बहुत अच्छा है, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज गोना लव द सॉन्ग। तो वो गाने के वर्ड्स क्या हैं, कुछ गा के बता सकते हैं कि क्या हैं वर्ड्स गाने के? आई थिंक आप सुन लो मैं गाने से अच्छा, बिकॉज इट्स अ वेरी टिपिकल आइटम नंबर, तो इस अटायर में मैं गाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, जब आप देखोगे तो ज़रूर अच्छा। मैम और थोड़ा वक्त लगा आपको फिर से प्रोजेक्ट में आने में, क्या विशेष कारण रहा है? विशेष कारण ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट जब आते नहीं हैं तो हम शांति से घर बैठना पसंद करते हैं, सो जब अच्छी स्क्रिप्ट आती है, अच्छे अच्छा काम करने को मिलता है, तब हम आ जाते हैं, सो दैट्स हाउ आई फील। पर आज के दौर में कॉन्टेंट भी काफ़ी बदला है, मतलब अलग अलग तरह के फिल्म आ रही, तो उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, कितना ज़्यादा बदला है इंडस्ट्री? बहुत बदल रही है और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में बदल रही है एक्चुअली, इट्स लाइक एवरी डे एक नई चीज़ आ रही है, नए पहलू में सिनेमा बदल रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन कॉमेडी फ्लेवर कभी जाता नहीं है, सो वी आर हियर विद कॉमेडी एंड आई होप यू एंजॉय। मैम सिर्फ हिंदी फिल्म की बात नहीं, मराठी फिल्म भी आजकल देखते हैं कि काफ़ी अच्छा कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कि रीजनल फिल्म्स का जो क्रेज़ है वो बढ़ रहा है? मराठी फिल्म तो कब से अच्छे कर रहे हैं, अभी तो मराठी में बिग बॉस भी आ गए हैं, तो आई गेस वी ऑल नो इट्स द बजट्स आर गोइंग हायर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट मराठी इंडस्ट्री इज़ रोरिंग, आई वुड लव टू डू अ मराठी फिल्म जो करनी है। अभी फ़िलहाल ही मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की थी, अभी शॉर्ट फिल्म का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, दृष्टि उसका नाम है, उसको भी अच्छा बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो आजकल अब कुछ भी अच्छी चीज़ करो उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। हाउ आर यू वर्किंग विद एक्सपीरियंस आनंद पिचा? कृष्णा वो मेरे नेबर है, तो हमेशा हंसी मजाक चलता रहता है एंड उनके साथ काम करने का अलग ही मजा है, वो एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट है, बहुत हंसाते हैं, एक बच्चे जैसे भी है, जो हमारी थोड़ी सी सेट पे तुम माइक लगाओ कि माइक लगाया तो वो लेके घूमना पड़ता है, तो उस पर बहुत ये होता था, बट इट्स क्वाइट लाइक फर्स्ट टाइम आई सॉ मेल एक्टर हू डजंट वांट टू पुट माइक, बट ही इज़ वेरी क्यूट एंड वी हैड लॉट ऑफ फन। मैम यू हैव वर्क्ड विद लाइक सचिन तेंदुलकर, तो क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर का, मतलब पॉपुलर डायरेक्टर के साथ काम करना या कितना जरूरी होता है कि बड़े ब्रांड के साथ काम करना? पॉपुलर डायरेक्टर का से ज़्यादा कहूँगी उम्दा डायरेक्टर, टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मधुर जी तो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ही पॉपुलर भी है, उनकी पिक्चरें सब लोग पसंद आती है, हमारे मनोज शर्मा भी एक बहुत ही अच्छे अलग जॉनर के डायरेक्टर हैं, उनका कॉमेडी एक फोटे है एंड आई थिंक ही इज़ गेट दैट वेरी नाइस। मैम बिग बॉस की बात करें तो मराठी बिग बॉस आ चुका था, अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी की लग गए और कहते हैं मौका भी है दस्तूर दिया और पीछे शर्मा जी आपके नहीं ये तो वर्मा जी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे शर्मा जी के बारे में, जो शर्मा जी वर्मा जी इधर पीछे खड़े शर्मा जी की लग गई एक ऐसी कहानी है, छोटे गांव की कहानी है जहां पर मैं एक पेपर चलाता हूं जिसका नाम है झुंझुना और उसमें कॉलम है जो शर्मा जी कॉलम सेक्स कॉलम ही आते हैं जिसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्या कैसे आपको कोई तकलीफ मेरे साथ ऐसा हुआ था क्या किया जाए। ट्रेन वगैरह में ज़्यादा बिकता है बहुत, ट्रेन के आजकल तो बहुत जगह बिकता है, सब जगह यही चल रहा है, तो ये कॉलम आता है और ये सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन इनकी लग इसलिए जाती है क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ इतनी ख़राब होती है, इनकी खुद जहाँ खूबसूरत से शर्मा जी 55 साल के और मुग्धा गोडसे उनकी वाइफ प्ले कर रही है, तो मेरा उनके घर में आना जाना लगा रहता है और फिर ऐसी खिचड़ी पकती है कि शर्मा जी की लग जाती है, बस सिचुएशनल कॉमेडी है बहुत बढ़िया, इसमें लाउड कॉमेडी नहीं है बहुत, क्योंकि बिजेंद्र कालरा बहुत ही थिएटर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, उनका बहुत मज़ा आया मुझे अलग तरीके का, एक अपील जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए।
मैं तो अपना शो लेकर आ ही रहा हूँ, लोग हमेशा मुझे पूछते हैं अभी आप फिर से उनके शो को रिप्लेस कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, वो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि जब भी हम कोई नया कुछ लेकर आते हैं तो कपिल को खुद एग्जिट हो जाती है, जैसे वो कलर्स में भी हुई, फिर सोनी में भी, ड्रामा कंपनी से पहले कपिल क्विट कर गए थे अपना शो, अभी भी ऐसे ही कुछ हुआ कि तबीयत ठीक नहीं है, बट आई वांट कि वो ठीक हो जाए और वो अपना शो वापस लेकर आए, और अच्छा एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है कि कपिल का एक अलग शो चल रहा होता है, उसमें सुनील, अली भाई, यहाँ पर मैं, भारती, सुदेश जी और बाकी सारे लोग, एक अलग फील होता है कॉम्पिटिशन का, तो मैं चाहता हूँ वो आए अपना शो लेकर और हम फिर से एक कॉम्पिटिशन लड़े जिसका मज़ा आए, TRP का भी मज़ा होता है। सर एक अच्छा अच्छा स्टेज और फिल्म का, अच्छा अच्छा स्टेज थिएटर बहुत ही अलग होता है, थिएटर में आपको एक 25 पेज की स्क्रिप्ट दी जाती है, हम आप देखते हैं जब मैं स्टेज पर आता हूँ तो एक ही साथ मैं लगा रहता हूँ, तो उसके लिए स्पॉन्टेनिटी बहुत जरूरी है, जैसे कि आप मुझे सवाल पूछते हैं तो मैं धड़ाधड़ बोलता ही रहता हूँ, तो बोलने वाला बंदा चाहिए। फिल्म में क्या होता है, कैरेक्टर पकड़ के चलना और कंटिन्यू 40 दिन शूटिंग जब आप करते हैं उस कैरेक्टर में रहना, कैरेक्टर को समझना, तो वो एक अलग चीज़ होती है, तो फिल्म और थिएटर का बहुत ही डिफरेंस है, जो लोग थिएटर करते हैं उनके लिए फिल्म थोड़ा सा एक फॉर्मेट जो है, क्योंकि कट कट करके होता है तो लिटिल ईजियर हो जाता है, बस यही डिफरेंस है थिएटर और फिल्म के अंदर। सलमान खान के साथ उनके साथ कोई को होस्ट नहीं हो सकता, सलमान सर के साथ तो वो अकेले ही हैं, उनको उनको मज़ा, उनको देखने का अलग ही मज़ा होता है। तो आधा टाइम तो वो अपना उनको उनको बताना पड़ेगा कि हिंदी में क्या बोलना तो वो भी एक अलग मज़ा है, अगर उनके साथ अगर ऐसी न्यूज़ आई है बाहर तो बहुत अच्छी बात है, अगर कटरीना होस्ट करेंगी तो बहुत अच्छे लगते हैं सलमान भाई, कटरीना जी साथ बहुत मज़ा आएगा, मैं तो सलमान भाई से बहुत प्यार करता हूँ और 3 साल से मैं बिग बॉस जाता हूँ, मैं और भारती ने होस्ट भी किया हुआ है बिग बॉस का सेगमेंट, जहाँ सलमान भाई अंदर थे, मैं और भारती जब बचाव कर लेते तो हम लोग होस्ट भी करते थे, तो बहुत इट्स फन, मैं तो लास्ट ईयर बहुत मिस किया क्योंकि मैं सोनी टीवी पे था तो कलर्स पे मैं जा नहीं सकता था, तो मैं बिग बॉस में चाहता था कि मैं इस साल भी जाऊँ, लेकिन चलो हो सकता है इस साल अभी कोई कलर्स का शो करके फिर मैं चला जाऊँ बिग बॉस में। मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, मैंने सुना है कि बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, मुझे किसी ने अभी कुछ एक आध घंटे पहले किसी ने फ़ोन पे बताया कि रणबीर के कुछ ऐसे शॉट्स से अगर आप पॉज करके देखें तो ऐसा लगेगा संजू बाबा ही है, तो राजकुमार हिरानी जी बहुत बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर है, छोटा मुँह बड़ी बात है, बहुत सारे फैंस हैं उनके, जैसे हीरोज़ के फैंस होते हैं ऐसे डायरेक्टर उनके फैंस हैं, उन्होंने कमाल की फिल्में बनाई हैं, तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड, और संजू बाबा की बायोपिक है, संजू बाबा से पूरा वर्ल्ड इतना प्यार करता है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए, और ख़ासकर इस फिल्म के लिए ये शर्मा जी हैं, मनोज शर्मा जी और शर्मा जी की लग गई। मनोज जी क्या कहना चाहेंगे कि कृष्णा से टैलेंटेड एक्टर इस फिल्म के लिए, ये भी बड़ी कॉमेडी फील वाला है कि गांव में नेताजी ने एक जलसा रखा है उसमें मुग्धा एक परफॉर्म कर रही है। कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, हंसते हंसते फिल्म शुरू हो और हंसते हंसते फिल्म खत्म हो, जैसे कि टाइटल है शर्मा जी की लग गई, बस टाइटल से जितनी कुछ हंसी की आ रही है फिल्म बनते हुए। कृष्णा और मुग्धा के अलावा इसमें ब्रजेंद्र काला हैं, मुकेश तिवारी हैं, हिमानी शिवपुरी हैं, हेमंत पांडे हैं, टीकुल दसानिया हैं, बहुत सारे मजे हुए कलाकार हैं, इन्होंने बहुत हमारा लास्ट डे है, ऑलरेडी कम्प्लीट टॉपिक कोशिश कर चुके हैं, आज हमारे सॉन्ग कम्पेज हो रहा है और बहुत जल्दी हम अगस्त और सेप्टेम्बर में फिल्म की तैयारी करेंगे।